तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर जानकारी हम आपको दे दें। उरी में सेना के ब्रिगेड कमांडर को फिलहाल हटाने की खबर मिल रही है और ये जो जानकारी है वो डिफेंस सोर्सेस के हवाले से है। डिफेंस सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि ब्रिगेड कमांडर को जांच पूरी होने तक हटाया गया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा दे रहे हैं। कृष्ण मोहन, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, दरअसल पहले जब अटैक हुआ था उसके बाद से ही ये बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, और रक्षा मंत्री ने भी ये बात कही थी कि जांच हो रही है कि आखिरकार कहाँ चूक हुई। तो सेना की जांच पूरी होने तक इनको हटा दिया गया, वहां से फिलहाल इनका ट्रांसफर कर दिया गया जो उड़ी के नए ब्रिगेड कमांडर थे। दूसरे जो नए ब्रिगेड कमांडर लाए गए हैं वो आज ही चार्ज ले लेंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। पर कुल मिलाकर उड़ी हमले में क्या गलतियां हुई, क्या लापरवाही हुई, ये बात तो काफी दिन बाद सामने आएगी जब सेना की जांच कंप्लीट होगी। लेकिन फिलहाल उड़ी हमले की जो गाज है वो उड़ी के ब्रिगेड कमांडर के ऊपर गिरी है। कृष्णमोहन, ये जो एक्शन लिया गया है ये संदेह के आधार पर है या ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है या फिर जांच किसी भी तरह से प्रभावित ना हो उसके बाद ये फैसला लिया गया? आमतौर पर सेना का ये काम करने का ढंग होता है, जांच हो रही है और ब्रिगेड के क्रियाकलापों की गलती ना हुई हो, लैप्स न रहे हो, और उस समय वही ब्रिगेड कमांडर अगर वहां पर रहे तो जांच को बाधित कर सकता है, ऐसा सेना का मानना होता है। तो इसलिए जांच में आसानी रहे और स्मूथली जांच चले इसलिए भी सेना स्थानांतरित करती है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है फिलहाल सारी की सारी चीजों को देखते उस तो यही लगता है कि उड़ी अटैक को लेकर सेना के उच्चाधिकारियों में नाराजगी जरूर रही होगी कि आखिरकार कैसे हुआ, और उस बात को लेते हुए शायद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि सेना ऐसी कार्रवाइयों को ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन पूरी जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद की जी न्यूज को दी गई धमकी को देखकर पता चलता है कि वो कितना ज्यादा हताश है। हमने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले हाफिज सईद की धमकी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। वीडियो में भले ही हाफिज सईद बोल रहा हो लेकिन ये भाषा और विचार पाकिस्तान के हैं, क्योंकि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से आतंकवाद का शौकीन पाकिस्तान बौखला चुका है। इसीलिए अब हम आपको उस ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव डिटेल्स दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया, हताश निराश कर दिया। सितंबर को जब पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने उरी में हमारे जवानों का खून बहाया तो पूरा देश उबल पड़ा। इस हमले के बाद ही सरकार ने मन बना लिया था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। सरकार ने यह तय कर लिया था कि अब भारत की सॉफ्ट स्टेट की छवि को बदलना होगा और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारतीय फौज उरी में हुए हमले का बदला लेना चाहती थी, इसलिए एलओसी पर उन इलाकों की पहचान की गई जहां से अक्सर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती है। करीब 10 आतंकियों के ऐसे ठिकानों की पहचान की गई जिन्हें टारगेट किया जा सकता था। इसके बाद फाइनल टारगेट के लिए 4 को चुना गया। ये थे पुंच रजौरी सेक्टर के भीमबर, हॉट स्प्रिंग, कुपवाड़ा सेक्टर के केल और बारामूला के लीपा। सरकार ने यह तय किया कि सर्जिकल स्ट्राइक तभी की जाएगी जब इन 4 सेक्टर से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाएगी, और इसके लिए जरूरत थी सटीक जानकारी की। खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ और पाकिस्तान पर नजर रख रहे अधिकारियों को अपने खुफिया तंत्र से सूचनाएं जमा करने को कहा गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सैटेलाइट से इन इलाकों में मूवमेंट्स पर नजर रखने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कार्टोसेट 2C सैटेलाइट की मदद से सेना को एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी खास इलाकों में हो रही गतिविधियों की तस्वीरें दी गई थी। ये सैटेलाइट इसी वर्ष इसरो ने 22 जून को लॉन्च किया था। इतना आपका इमेज का एक्यूरेसी होगा, रेजोल्यूशन क्लियर होगा,
आपकी जो जो एस्टिमेशन है, जो प्लानिंग है, आप ज़्यादा सटीक तरीके से कर पाएंगे और उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। वो किसी भी ऑपरेशन के लिए हो सकता है। इसमें तो कुछ वो खास बात थी कि वो वीडियो इमेज भी कैप्चर करता है जो, और उसको कंडेंस करके वापस भेज देता है, तो वो एक टेक्निकल फीचर था इस कहें कि इस पूरे सेटेलाइट ऑपरेशन का, कि क्योंकि जब भी हम एक नया सेटेलाइट भेजते हैं तो जो पुराने से उसमें कुछ हमेशा एडवांस फीचर होते हैं। इसी जानकारी के दम पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें इन इलाकों में पहले से ही भेज दी गई थी। इसके बाद गुरुवार को भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें चुपके से LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गई। उधर LOC पर कमांडो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। इधर दिल्ली में साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में पूरी कार्रवाई पर नजर रखी जा रही थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ जनरल दरबीर सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल वॉर रूम में पूरा ऑपरेशन मैनेज कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों लोग अलग अलग साउथ ब्लॉक में पहुंचे थे ताकि किसी को कोई शक न हो। तीनों रात में 11 से 11:30 बजे पहुंचे थे और सुबह तक साउथ ब्लॉक में ही रहे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वॉर रूम का माहौल ठीक वैसे ही था जैसे ओसामा को मारने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान व्हाइट हाउस के वॉर रूम का था। अब हम आपको बताते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज ने कैसे अंजाम दिया। भारतीय पैरा कमांडोज ने आतंकियों के ठिकाने पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस रॉकेट लॉन्चर का नाम है RPO-HML जो रूस का बना हुआ है। भारतीय कमांडोज कार्ल गुस्टाफ राइफल से लैस थे और इसी राइफल की गोलियां कई आतंकियों के लिए काल बनी। पैरा कमांडोज की एक टीम ने सबसे पहले POK के 20 किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकियों के कैंप में भारी गोलाबारी की। इसके बाद इन आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी क्योंकि हमले के बाद इन्होंने लॉन्चिंग पैड्स में शरण ले ली थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने हर लॉन्चिंग पैड में करीब 12 आतंकवादी मौजूद थे। इसके बाद पैरा कमांडोज की दूसरी टीम ने 2 किलोमीटर तक LOC क्रॉस की और इन आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को हमले के बारे में पता चला, उन्होंने ट्रकों में भरकर अपने रेंजर्स भेजे, लेकिन हमारे पैरा कमांडोज ने उन्हें भी मार गिराया। इसीलिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म हुआ तो सेना ने सरकार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने अक्सर इस कहावत को सुना होगा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब राजा ही झूठा हो तो प्रजा सच कैसे बोल सकती है? कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ की तरह पाकिस्तान का मीडिया भी झूठ की बमबारी कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम देने वाले नरेंद्र मोदी का असल चेहरा अब बहुत तेजी के साथ बेनकाब होता जा रहा है। इस पंदे मंजर के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने इक्तदार के इब्तदाई दिनों में ही मोदी की बहैसियत भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हल्फ बरदारी में जाने की का मुश्किल फैसला भी किया था और वो गए भी थे, लेकिन मुंह से राम राम करते मोदी अपनी बगल में पाकिस्तान दुश्मनी की छुरी दबाए बैठे थे। और इसका वाज़े मुजाहरा उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता साल जून में उन्होंने बांग्लादेश में खड़े होकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश का एतराफ़ किया। बांग्लादेश में जब मुक्ति जोधा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त जोधा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे, वो एक एक मुक्ति जोधा, आज यहाँ मुक्ति जोधा यहाँ बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान ने एटमी डेटरेंस संभाल कर रखने के लिए हासिल नहीं किया, जबकि सेनेटर नसरीन जलील कहती हैं कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तानी अवाम और अफवाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। सीज फायर वॉयलेशन, सर्जिकल स्ट्राइक हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, और अगर सर्जिकल स्ट्राइक जो कभी करेंगे तो उनको मैचिंग रिस्पॉन्स भी हमें जो देना है वो भी इनको पता है। ये टोटल सीज फायर वॉयलेशन है।
बात करेंगे। मलिहा लोधी साहिबा बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं और मुकदमा लड़ रही हैं अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान का। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब मलिहा लोधी ने खबरदार किया है कि भारत ने जारियत जारी रखी तो पाकिस्तान तमाम तर सलाहियतों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। सितंबर ये पाकिस्तान में तारीख बनेगी। अलामती वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। आज शाम को पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब जिंदाबाद। कप्तान के खिलाड़ी आज दबंग बरियाने की दावत उड़ाने जा रहे हैं। ओ इमरान आ गया मैदान में। ओए भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके नारे लगवाऊंगा, मैं बोलूंगा जोर से इमरान खान। देखिए यहाँ पर भी आवाज आया है और ये मैं एक सिरप लेके जा रहा हूँ, ये मैंने खुद तैयार किया है, ये जमीर को जगाने वाली दवाई है। नवाज शरीफ साहब इसका एक चम्मच पिएंगे, उनका जमीर जो है वो जाग जाएगा। पपेट उसकी बात सुनिए, उनका यही कहना है कि वो हुक्मरानों का जमीर जगाने के लिए आज जा रहे हैं।